नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे मदर डेयरी का बूथ है वहाँ पे दूध लेने के लिए आया था और साथ में ही अपना कृष्ण मंदिर है हमारे सेक्टर में। मैं यहाँ पे सोचा चलो मत्था टेकते हुए चले, इसलिए हम आए थे। क्या लग रहा है कि जो अब 21 दिन तक आपको घरों में रहना होगा, नवरात्र शुरू हो गए हैं तो एक शुभ कार्य भी आपके लिए शुरू हो गया क्योंकि 9 दिन आप घर पर भी सारा खाना खाते हैं, जरूरी नहीं है कि बाहर का खाना खाते थे, तो ऐसे में आप कैसे आप महसूस कर रहे हैं और पूरा आप जिस तरीके से आपने अपनी सावधानी बरत रखी है ये कितना जरूरी है? मैं डॉक्टर वी के त्रिपाठी हूँ। सबसे पहले मैं नवरात्रों की सबको बधाई देता हूँ। और देखिए ऐसा है, यह संक्रमण तो है पूरे विश्व में है, भारतवर्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है जो कि इसकी प्रिकॉशन ले रहा है और टाइमली प्रिकॉशन ही उसका क्योर है और कोई क्योर नहीं है अभी तक, सिर्फ एकमात्र है। तो ऐसे कंडीशन में भारत की जनता को अपने दिमाग को दिल को एक पॉजिटिव एनर्जी एक आध्यात्मिक एनर्जी में लगाना चाहिए। इसी बीच जो हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व है नवरात्र है, इस नवरात्र को वो अपने पूरे एनर्जी को पूरी ताकत को एकांत होके प्रभु का ध्यान करके अपना कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि 21 दिन तक हम कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हों और ऐसे में अपने आप को संकुचित करें जिससे कि इसका फैलाव न हो, क्योंकि इसका रोकथाम सिर्फ एक ही है कि हमें आइसोलेशन होना है और सेल्फ होना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, एक संक्रमित बीमारी है, इसे रोकना हमारा फर्ज है। देखिए साकिर, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग जो है घरों पर, अब आपको घर पर रहना होगा 21 दिन तक, तो कैसे अब आप